वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. डॉक्टर साहब आ चुके हैं. बहुत अच्छा आपका इंट्रोडक्शन दिया था. अच्छा हाँ. क्या बात है, वेरी गुड. रिपीट करें मैंने क्या बोला था. कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट कॉस्मेटोलॉजिस्ट पाकिस्तान के मायनाज मॉडल मॉडल और बहुत जबरदस्त एंकर. थैंक यू. अभी दो काम रह गए हैं, वो जो एक्टर वगैरह होते हैं ना, जो फिर थोड़ा ज्यादा एज गुजर जाती है फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर. डायरेक्टर प्रोड्यूसर कह रहे हैं आप बताएं. और नहीं मतलब रिटायरमेंट के बाद प्रोड्यूसर बन सर. जो फिर रिटायरमेंट के ऐलान के साथ ही डायरेक्शन और प्रोडक्शन. बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिटायरमेंट होते ही ये भी शुरू हो जाएगी. वैसे देखने वाले हमें बताएं कि डॉक्टर फिल्म को एक्टिंग करनी चाहिए ड्रामों में कि नहीं करनी चाहिए. वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है. ड्रामे फिल्म में होना चाहिए. अच्छा डॉक्टर साहब, फौरन से सवालात की तरफ जाते हैं. बिल्कुल. अर्सला अली जो है उन्होंने आपको बहुत सलाम किया है जी. और वो आपसे डाइट प्लान के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि 3 महीने बाद उनकी शादी है. उनका वजन 65 kg है और हाइट जो है वो 5 feet है. और कोई कहवा भी बता दें. साथ में एक और समन जैदी जो है हमारी देखने वाली, उन्होंने भी कॉमेंट किया है यहाँ पर और वो भी वेट लॉस के बारे में सवाल करिए और उस कहवे के बारे में पूछ रहे हैं जो आपने रिकमेंड किया था, वो आप रिपीट कर दें. तो वेट लॉस के जितने भी सवाल आज यहाँ पे आज हमसे पूछे गए हैं तो वो कहवा जो है डॉक्टर साहब अभी आप उन सबके लिए रिपीट करें. बिल्कुल बिल्कुल. पहले बिल्कुल कहवा बताता हूँ. एक बड़ी अच्छी सी आपको डाइट चार्ट देता हूँ जिससे बड़ा जल्दी आपका देखिए फर्क पड़ेगा. बहुत सिंपल सा है. अच्छा देखिए, एक डाइट चार्ट में ये होगा कि आपको तमाम चीजें खानी है. कोशिश ये कीजिएगा कि तमाम चीजें खाएं मगर उसका प्रोपोर्शन, उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें. अच्छा, सुबह को क्या होगा कि आप नहार मुंह एक ग्लास नीम गर्म पानी जिसके अंदर आप एक चमचा असोबोल की भूसी, एक पूरा लेमन स्क्वीज करके, थोड़ा सा जीरा, ठीक है, और इसके साथ ऐड कीजिएगा थोड़ी सी सौंफ क्रश्ड, ये रोजाना आप पीजिएगा रोजाना. और एक चमचा आप अगर आपका गला इतना ना होता हो अफेक्टेड तो आप इसमें थोड़ा सा सिरका भी ऐड कर सकते हैं. ये आपने शुरू किया. उसके बाद आप नाश्ते में क्या करेंगे, एक छोटा कप बगैर बलाई का दूध, उसके अंदर आप थोड़े से ओट मील यानी कि जौ डाल दें या कॉर्नफ्लेक्स डाल दें, ठीक है, वो जरूर लीजिएगा. कोई सा मौसम का एक फ्रूट, एक केला, एक आजकल आम आ रहे हैं या कोई सा भी एक मौसम का, वो जरूर लीजिएगा. एक से दो पापे जरूर लीजिएगा. चाय कॉफी आप पीते जरूर पीजिएगा. कोशिश करेंगे अगर आप शक्कर डालें तो कम डालें, ब्राउन वाली शक्कर डालें. व्हाइट वाली शक्कर जो होती है वो बिल्कुल भी आप अवॉइड कीजिएगा, ठीक है. और साथ में आप अंडा कभी फ्राइड खा रहे हैं, कभी बॉइल खा रहे हैं, कभी ऑमलेट खा रहे हैं, थोड़े से ऑयल में, ऑलिव ऑयल में, ठीक है. ये तो आपका नाश्ता हो गया. अच्छा 11 बजे जो आपको एक भूख लग रही होती है तो आप कोशिश करें कि 1 से 2 खीरे आपने खा लिए या आपने थोड़ा सा कोशिश किया कि 1 से 2 तो बिल्कुल 1 से 2 सॉल्टेड बिस्किट, ये यहाँ तक मिड नहीं लगे. बिल्कुल, मैंने आपको इसलिए बीच में टोक दिया क्योंकि इंटरनेशनल कॉलर हैं तो मैं नहीं चाह रही थी उनको ज्यादा. बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सऊदी अरब से कॉल है, इनसे बात करते हैं. कॉलर से हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हेलो, प्लीज अपना नाम बता दीजिए. जी मैं आयशा बात कर रही हूँ. आयशा सऊदी अरेबिया से, क्या हाल है आपकी आयशा? बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया. आप जॉक जिंदगी में कॉल कर रही हैं. वेलकम टू जॉक जिंदगी. जी फरमाइए, डॉक्टर साहब के लिए सवाल है. जी मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है. सलाम, कैसी हैं आयशा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक आयशा, आप बताइए. मुझे ये पूछना था कि मेरे फेस पे मैंने आइसोट्रेटिनाइन खाई थी, मैंने आपको पहले भी कॉल की थी, दोबारा से एक्ने आ रही है. अच्छा ठीक है ठीक है. अच्छा और ना जैसे चेन पे व्हाइट कलर के पर्स वाले दाने ना थे छोटे छोटे, वो एक निकलता है तो पूरी चेन भर जाती है और बिल्कुल पूरी गाल भर जाएगी. व्हाइट कलर के छोटे छोटे पर्स वाले होते हैं. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल. मैंने 3 महीने आइसोट्रेटिनाइन खाई है पहले भी. अब नहीं खाइएगा आयशा. एक तो आप देखें कि कभी बड़ी सर्कमस्टांसेस होते हैं कि अगर बड़ा खराब किस्म की एक्नी हो या आपकी अम्मी की एज में कभी एक्नी आ जाती है तो आइसोट्रेटिनाइन देते हैं. इस एज में लड़कियों को या इवन लड़कों को देना विटामिन ए के कैप्सूल मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता क्योंकि उसके देखिए इसके साइड इफेक्ट कितने ज्यादा, ठीक है, और इससे दोबारा दाने आने लगते हैं और इतने एक्सपेंसिव तो छोड़े चले, पैसों की बात ही मतलब क्वालिटी उसकी. अच्छा पहली बात तो ये, हाँ बोलिए बोलिए. और कोई सवाल आपका आयशा या आपको हम अभी जवाब? बहुत अच्छा मास्क बता के लिए ना, और दोबारा ना निकले. नहीं 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 बिल्कुल, ड्रिंक भी बता रहा हूँ और एक मास्क भी बता रहा हूँ. अच्छा आयशा, और व्हाइट कलर के पस वाले दाने उनके, व्हाइट हेड ब्लैक हेड और तमाम पस के दानों के लिए बड़ा अच्छा सा मैं आपको बता रहा हूँ मास्क, खुद घर में बनाइएगा. ओके आयशा, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. अभी आपको ऑन एयर जवाब देते हैं मगर आपके सवाल से पहले जो है हम एक कहवे का जो है वो बात कर रहे थे वेट लॉस के ऊपर, उसे कंप्लीट करते हैं उसके बाद आराम से फिर आपका जवाब. बिल्कुल. अच्छा कहवा बड़ा सिंपल सा है. समय आप देखें, 8 ग्लास आप पानी लीजिएगा, ठीक है, 8 ग्लास नॉर्मल पानी,
छह चमचे ग्रीन टी, जैस्मीन टी, ठीक है, और इतना उबाले कि वो मतलब आठ ग्लास आपने पानी लिया, ठीक है, छह चमचे ग्रीन टी, उसके अंदर आप थोड़ी सी दालचीनी, इलायची, लौंग और जो मुलेठी, ये तमाम चीजें अच्छी तरह से इसको बॉईल करें और इसको इतना उबालें कि आठ ग्लास छह कप रह जाए, ठीक है। जब छह कप रह जाए इसे आप थर्मस में रख दें और क्रश सौंफ भी आप थोड़ी सी इसके अंदर ऊपर से डालें, ठीक है, और लेमन स्क्वीज करें और आधा चमचा शहद रोजाना सुबह से रात तक आप पीते चले जाएं, छोटे छोटे कप जो है, तो उससे आपका बड़ा जल्दी मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, आपका फैट पिघलना शुरू हो जाएगा और आपका ग्लो बड़ा अच्छा आना शुरू। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने आपको जहाँ पे काटा था तो आप वो कंप्लीट कर दीजिए, वरना वो देखने वाले जो है उनके सवाल आते हैं, वो कहेंगे भैया ने गलत जगह पे काट दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ये तो मिड डे मील हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका मिड डे मील जो होगा, ये देखिए आपने जो 11-12 बजे आपको ब्रेक का टाइम आ गया, ब्रेक के टाइम, ठीक है, ठीक है, आप कॉल भी लेंगे, ये भी चलता जाएगा, बिल्कुल मास्क बताएंगे, हाँ मास्क भी बताएंगे, जवाब देंगे सारे, और जो हमारा वेट लॉस का सारा इश्यू था वो जो भी आप बता रहे थे वो सब हम बात करेंगे, मगर फिलहाल होते एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फॉरन से जो है हम आपको बताते हैं वो डाइट के ऊपर जो आप जवाब दे रहे थे, उसके बाद हमारी जो कॉलर थी सऊदी अरेबिया से उनके जो है हम सवालात का जवाब देंगे। का बड़ा जी आयशा थी, आयशा का ना, देखिए अच्छा ये बड़ा सिंपल सा, अच्छा क्या करना है, आप मिड मील जो आपका आ गया तो आप कोशिश ये करनी है कि इसमें सैलेड जरूर खाएं, सब्जियां फल खाएं, ठीक है, बड़ी अच्छी एनर्जेटिक आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल आपने कॉर्न थोड़े से ले लिए, मकई के दाने, ठीक है, भुट्टे की तरह जो होते हैं, थोड़ा सा स्वीट कॉर्न ले लिया आपने, लोबिया ले लिया, लाल मिर्चें ले ली, ठीक है, इसके साथ ऐड किया कोई हरी जो शिमला मिर्च होती है ऐड करके, थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा सोल्ट इसमें डाल के आप ये खाएं, तो इससे आपका मेटाबॉलिक रेट और तेज रहेगा, आपका वेट भी कम होगा। की रोटी है, मेथी का साग है, अच्छा। और हरी सब्जियों का अचार है। अरे ये मैं तो रोजाना हरी लाल में हरा भरा वीक शुरू, हरा भरा वीक, अच्छा अच्छा। उसके बाद आप आएंगे दोपहर में, दोपहर का जो आपका खाना होगा बड़ा सिंपल सा, जो आप घर में खाना खाते कोशिश करें कि आप उसकी जगह अगर आप खिचड़ी का इस्तेमाल करें, चावल जरूर खाएं, ठीक है, ब्राउन चावल हो, ठीक है, और कोशिश करें कि आप, अच्छा ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है, लोग कहते हैं जी हमें पानी हटा दिया, पानी वानी कुछ नहीं होता, एक क्वांटिटी होती है चावल की, वो आप इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। अच्छा शाम को जो आप इस्तेमाल करेंगे, जब आपको शाम को चाय के टाइम पे, तो आप कोशिश करेंगे पकौड़े और ये पिज्जा और ये समोसे, ये जलेबियां, ये सब चीजें बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, उसमें आप कोशिश करें एक से दो रस्क ले लीजिएगा, पापड़ ले लीजिएगा, या आप थोड़े से घर में आप फ्राइड चिप्स भी ले सकते हैं थोड़े से ऑलिव ऑयल में और चाय के साथ, ठीक है। अच्छा उसके बाद रात का खाना आएगा, जो आपका इंपॉर्टेंट तरीन मील होता है, अगर रात का खाना आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कोशिश करें कि 9-10 बजे तक जब भी आप खाते हैं खाएं, क्योंकि इतना लाइफ स्टाइल अब बिजी है, एक बजे तक अगर आप सोते हैं, खाना आप नॉर्मल खाएं, ठीक है, एक से दो चपातियां ब्राउन छोटी वाली, ठीक है, उसके साथ आप पालक है, सरसों है, तो फिश है, चिकन है, जो भी आप खाएं, और उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखें, एकदम से बिस्तर पे आप बैठ ना जाए, तो आप बहुत जल्दी ये डाइट चार्ट मेंटेन करेंगे, तो आप देखिए कितनी जल्दी फर्क होगा। ग्रीन टी पीते चले जाएं सुबह का वाला वो है, उसके अलावा कोशिश करें कि अपने खाने में जितना सब गोल का इस्तेमाल, फाइबर का इस्तेमाल करें, वो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, और अभी जो दूसरा सवाल है, आयशा ने सऊदी अरबी से कॉल की थी, उनके चेहरे के ऊपर एक्नी बहुत आ रही है, जिन क्रीम्स वगैरह की उन्होंने नाम लिए, ऑब्वियसली वो मुझे तो नहीं प्रोनाउंस करने आ रहे वो क्या है, वो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है, वो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, आपने सुन लिया है, एक्नी फेस के ऊपर आ रही है, चिन के ऊपर जो है व्हाइट पस पहले छोटे दाने आना शुरू हो जाते हैं, और जब वो आते हैं तो ढेर सारे हो जाते हैं, अगर चीक्स पे आ जाए तो चीक्स पे ढेर सारे आना शुरू हो जाते हैं, चिन पे आना शुरू हो जाते हैं। आपसे किसी मास्क के बारे में उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि कोई मास्क ऐसा बता दीजिए कि ये जो है कम हो जाए, एक्नी चली जाए। देखिए बड़ा अच्छा सा एक्नी के लिए, ये देखिए बहुत सिंपल सा मास्क है, और देखें बिल्कुल आपको क्लियर करेगा बहुत तेजी के साथ, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको नारियल का जो पाउडर होता है, नारियल का पाउडर आप लीजिएगा, ठीक है, तकरीबन 2 टीस्पून कोकोनट पाउडर, ठीक है, उसको आप अच्छी तरह से डिप करें ग्लिसरीन में, ठीक है, ग्लिसरीन ऐड कीजिएगा तकरीबन 2 टेबलस्पून ग्लिसरीन, 2 टेबलस्पून 4 से 5 टेबलस्पून क्रश्ड पुदीना मिंट लीव, ठीक है, थोड़े से तिल, ठीक है, उसके साथ ऐड कीजिएगा क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, और 1 टीस्पून आप ऐड करेंगे टेट्रासाइक्लिन लोशन, ये आयशा बहुत ही इफेक्टिव मास्क है। आपने कोकोनट पाउडर लिया, ठीक है, ग्लिसरीन लिया, मिंट यानी पुदीने का पानी और उसके थोड़े से पत्ते लिए, ग्लिसरीन लिया, क्लोव ऑयल लिया, उसके अंदर आपने 1 टीस्पून आपने डाला क्लिंडामाइसिन लोशन, थोड़े से तिल लिए, और ये पूरे फेस पे आपने लगा दिया फॉर 1/2 आवर एवरी डे।
और एक टैबलेट आप खाना शुरू कर दे वंस अ डे एट नाइट वेलकोडॉक्स, आप देखें कितनी जल्दी क्लियर होगा और इसको कंटिन्यू कीजिए बिल्कुल। और जल्दी से जो है क्योंकि हमने यहाँ पे सर्व हो चुकी हैं, दोनों चीजें लग चुकी हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। ये जी जल्दी से मुझे नजर आ जाए, हाँ ये है उमर सुहेल जो है वो पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब, उनकी उम्र 23 इयर्स है और उनके जो नोज के पास ऑब्वियसली पोर्स से ऑयल निकलना शुरू हो जाता है, तो ये ऑयल का बड़ा मसला है और 2 से 3 घंटे में वॉश करने के बाद दोबारा जो है वो ऑयल निकलना शुरू हो जाता है और सनलाइट में तो प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कोई परमानेंट ट्रीटमेंट इसका जो है सजेस्ट करते हैं? ये बड़ा एक बहुत अच्छा सा समय, आप देखें इसमें जो समय बता रहे हैं एस्ट्रिंजेंट की जरूरत है। अच्छा बड़ा सिंपल सा आप खुद बनवाएंगे, उसमें क्या होगा तकरीबन देखें ये तकरीबन 20 ml आप एस्ट्रिंजेंट बनवाएंगे जिसके अंदर होगा जिंक सल्फेट ZINC जिंक सल्फेट, ठीक है, ग्लिसरीन, एल्युमिनियम सल्फेट जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की एक फॉर्म है जो पसीने में भी हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और सैलिसिलिक एसिड, ये तकरीबन 20 ml आप बनाएं और सुबह शाम रुई से आप पूरे चेहरे की सफाई करें, ठीक है। और एक छोटा सा अगर टाइम हो तो मैं इनको मास्क दिखा दूं समय के लिए, इससे इनका बड़ा तेजी है, देखिए बड़ा सिंपल था इसके आपके डेबरी ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स आपके कील मुहासे सब क्लियर होंगे। क्या करना है आपको लैक्टिक एसिड 2 चमचे लैक्टिक एसिड, नहीं तो फुल क्रीम योगर्ट, नहीं तो फुल क्रीम दूध, ठीक है, उसके अंदर आप 1 से 2 लेमन स्क्वीज कीजिएगा, ठीक है, उसके साथ ऐड कीजिएगा ग्रेप्स 1 बंच, लाल अंगूर, अगर लाल अंगूर ना हो तो 3 चमचे आप जो टैट्रा पैक में उसका वो आता है जूस वो ऐड कीजिएगा, और 1 क्रश पोटेटो, ठीक है। ये तमाम चीजें मिला के पूरे फेस में मास्क लगाएं, एस्ट्रिंजेंट जिंक सल्फेट वाला लगाएं, आप देखिए स्किन बिल्कुल टाइटन अप और आपकी कॉम्बिनेशन स्किन जो है वो बड़ी कंट्रोल्ड हो बिल्कुल। और आप बड़े सही वक्त पे आए, वरना इन्होंने पूरा इरादा किया हुआ था कि आज मुझसे ये रोटियां बनवाएंगे, ओ मकई की रोटियां जो है, मतलब अच्छा नहीं किया, अच्छी बनी है देखिए, मैं तो बना ली, आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या करती हैं, मतलब आज खाना बड़ा ही मतलब मेरा ख्याल है कि बड़ा हेल्दी और बड़ा टेम्पटिंग और लोगों की नापसंद की क्या क्योंकि ऊपर गोश्त के बोटे और ये हरी हरी चीजें ये क्या। डॉक्टर साहब आप यहाँ पे बैठे हुए और आज हम आते हमारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह हरा भरा वीक जो है उसका आगाज हो चुका है और अब हम ग्रीन वेजिटेबल्स बनाएंगे और इसी किस्म की हेल्दी डिशेस बनाएंगे। थोड़ा सा आप हमारे देखने वालों को एज ए डॉक्टर बताएं कि कितनी इंपॉर्टेंस है ग्रीन वेजिटेबल्स की बच्चों के लिए, खवातीन के लिए, मर्द हजरात के लिए। तो ग्रीन ग्रीन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अच्छा लोगों को एक बड़ा ख्याल है कि जी हमें किडनी का अगर इशू है तो हम पालक नहीं खाएंगे, एग्जैक्ट ये एक बड़ा ही कॉलर थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया उनको स्टोन्स बन गए और ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि पालक खाने से आपके स्टोन बनना शुरू होते हैं, ये बड़ा पुरानी एक रिसर्च अभी वो कहते हैं कि डॉक्टर ने मना किया कि आप ये चीजें नहीं खाएं, आपको इस वजह से हुआ। डॉक्टर साहब सही कह रहे होंगे, देखिए होता क्या है, अब जैसे मैं आपको बताऊं ब्लू पील केमिकल पील जो अब होती है उसमें ये होता है कि आपने आज किया और खवातीन और हजरात जो है सेकंड डे वो काम पे चले गए। 1982 में जो बुक्स में लिखा है होती थी तो 3-3 दिन खवातीन अंधेरे कमरे में बैठी थी, अभी तक लोगों के जहन में कि जी अच्छा हम पी लेंगे तो हम 4 दिन तो घर से नहीं निकल सकते। मैंने कहा कौन सी औरत है जो अब घर में 4 दिन बैठ सके, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना, कोई आदमी तो पहले नहीं था, अब औरत भी कौन 4 दिन घर में बैठी रहेगी, या तो आपकी नवाबाना जिंदगी चल रही हो बेगम साहब 4 दिन नहीं, वो अब कोई पॉसिबल नहीं, तो अब ये बिल्कुल टोटल मिसकॉन्सेप्शन है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंटी ऑक्सीडेंट है, आपका तमाम आपका खूब ब्लड बनाती है, आपको बड़ा एनर्जाइज करती है, आपकी तमाम स्किन की वाइटैलिटी बॉडी की मजबूती के लिए और आपका इम्यून जो कि आप छोटी छोटी बातें में जुकाम हो जाता है, नजला हो जाता है, बुखार हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इससे आपका एक फाइबर के अच्छा कंटेंट मिलता है, आपका पेट बिल्कुल क्लियर रहता है, आप बड़े एक्टिव रहते हैं, तो जब आप ये अच्छी तरह ये खाएंगे तो आपका बॉडी का एक जैसे कहते हैं ना कि जी आपके अंदर एनर्जी आती है बड़ी, वो जो वहां तो बाहर के मुल्कों में तो बड़ी वाइटैलिटी बड़ा पोपाई वगैरह को दिखाते रहते हैं, यहाँ तो पोपाई होता है तो वो 2 बकरे जब तक ना खा ले तो वो पोपाई नहीं है।